हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र का आज पांचवा दिन है। सदन की कार्यवाही ठीक 2 बजे जो है आज शुरू होने वाली है। फिलहाल आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की तस्वीरें जो है वो निकल कर आ रही हैं। सदन की कार्यवाही ठीक 2 बजे से शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर दें कि भाजपा की तरफ से विधायक दल की बैठक की जा रही है। किस तरह से आज सदन के अंदर जो तमाम मसले हैं उनको उठाना है, क्या कुछ रणनीति बनानी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो भाजपा विधायक दल की बैठक जो है वो कार्रवाई से पहले शुरू हो रही है। देखना यही होगा कि क्या कुछ रुख जो है वो भाजपा विधायक दल का इसमें रहने वाला है, जो भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं आने जाने का दौर जो है वो शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रश्नकाल से जो है सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नकाल में जो सवाल है वो यहाँ पर हिमाचल पंजाब की सीमा पर जेजो खड में 11 लोगों की मौत और पुल बनाने का मामला जो है वो ऊना से विधायक सतपाल सत्ती ने यहाँ पर उठाया है, वो यहाँ पर सवाल पूछते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा ज़्यादातर प्रश्न जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हो सकते हैं, और कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आ सकता है। वहीं इसके बाद अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान आज जो है यानी कि आर्थिक संकट को लेकर तपिश देखने को मिल सकती है। कांग्रेस विधायक भवानी पठानिया, केवल सिंह पठानिया और चंद्रशेखर ने पहले ही आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए ही नोटिस दे रखा है। ऐसे में विपक्ष भी इस मामले को लेकर जो है वो सदन में चर्चा यहाँ पर मांग सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आर्थिक स्थिति जो है वो प्रतिदिन बिगड़ रही है। इससे कर्मचारियों व पेंशनरों की सैलरी पेंशन पर भी जो है कहीं ना कहीं संकट आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट मंत्री CPS 2 में को जो है और जो निगमों के चेयरमैन हैं, बोर्डों के चेयरमैन हैं, उन्हें 2 महीने देरी से सैलरी देने का ऐलान यहां पर किया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो है वो इसको लेकर चर्चा विपक्ष की तरफ से भी मांगी जा सकती है। पक्ष की ओर से यानी सत्ता पक्ष की ओर से 3 विधायकों ने पहले ही जो है इसको लेकर यहाँ पर चर्चा के लिए नोटिस दे रखा है। ऐसे में देखना यही होगा क्या इसको लेकर जो है वो चर्चा होती है या फिर नहीं। इसके अलावा 2 सरकारी विधेयकों पर भी जो है वो यहाँ पर चर्चा होनी है। वहीं उसके बाद जो है नियम 130 के तहत आपदा में हुए नुकसान को लेकर जो है वो भाजपा के विधायक भाग लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें भाजपा विधायक त्रिलोक जम्बाल, बलबीर सिंह वर्मा, सुखराम चौधरी, राकेश जम्बाल जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे, इसमें जो है वो चर्चा में भाग लेते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आज भी जो है वो गहमा गहमी का माहौल जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल जो है यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। वहीं तमाम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्रश्न भी जो है यहाँ पर उठा सकते हैं। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं और सदन की कार्यवाही ठीक 2 बजे जो है वो शुरू होने वाली है। वहीं अगर बीते दिनों की बात करें, चौथे दिन की बात करें, तो काफ़ी हंगामेदार जो है चौथा दिन देखने के लिए मिला है। सबसे पहले नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ये सवाल पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ये मामला यहाँ पर उठाया कि उनके निवास स्थान पर जो है वो ड्रोन घुमाए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम अधिकारियों को लेकर भी जो है उन्होंने टीका टिप्पणी की, सवाल जो है उनसे पूछते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने हालांकि जवाब दिया कि SJPNL द्वारा जो है वो ड्रोन की मैपिंग की जा रही थी ड्रोन से, तो ऐसे में इसका जो है वो आधिकारिक पुष्टि भी यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से नेता विपक्ष जो है वो घेरते हुए है, लेकिन उसके बाद जो है वो जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है तो एक बार फिर से जो इंद्रदत्त लखनपाल है बटसर से विधायक, उनके द्वारा कहा जाता है कि स्पीकर को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उपचुनावों के दौरान उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया था तो उसमें जो है स्पीकर को माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे में विपक्ष जो है हंगामा करता हुआ भी नजर आया, वॉकआउट भी देखने के लिए मिला, तमाम हंगामा जो है
चौथे दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा में देखने के लिए मिला है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं आज की बात करें तो आज भी जो है हंगामे होने के आसार पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करें, PWD विभाग से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर जो है यहाँ पर तमाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखना यही होगा कि क्या कुछ आज विपक्ष का रुख रहने वाला है। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।